पिक्चर का जो नाम है वो है पल पल दिल के पास, यानी कि किसके पास होंगी। और क्योंकि दो हीरो हैं इस पिक्चर में, इसलिए पिक्चर का नाम भी बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, पल पल दिल के पास। अब ये इस पिक्चर को देखने के बाद चलेगा पता कि किसके दिल के और पल पल किसके पास होती हूँ। और जहाँ तक बात है को स्टार की, तो बहुत ही अच्छे दोनों हीरो बहुत अच्छे हैं। राज है यहाँ पे जो मेरे अपोजिट हैं, प्रिंस जी हैं मेरे अपोजिट, तो दोनों हीरो हैं। और उनके साथ मैं दोनों के साथ पहली बार काम कर रही हूँ इस वाली मूवी में, तो अभी तक का तो सॉन्ग शुरू हुआ है तो एक्सपीरियंस अच्छा है। और रुस्तम जी पिक्चर के डायरेक्टर हैं और कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। और जैसे कि सेट अभी पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, पूरा एकदम लाइटिंग वाइटिंग सबके साथ में, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी है। स्क्रिप्ट की जो जो डिमांड है वो सब इस पिक्चर में है। और प्रोड्यूसर है यश जी, उन्होंने सब मतलब जो भी चीज़ें चाहिए, आपको फ़ैन चाहिए, आपको जो जो चीज़ें जैसी लोकेशन चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो जहाँ तक बात है मूवी की, पल पल बहुत अच्छी है, दिल के पास, तो आपके मैं चाहती हूँ ये पिक्चर इतनी दिल के पास पहुँच जाएगी, पूछिए मत। और डांस मास्टर जी जो हैं हमारे, वो दिख रहे नहीं है मुझे, प्रसन्न जी हैं, बहुत ही सुपर्ब है। और अभी वही हम लोग को डांस करवा रहे हैं इस मूवी में। कैमरा मैन है प्रमोद पांडे जी, वो शांत बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कब इंटरव्यू ख़त्म होगा, कब मैं शूट करूँगा। तो इस अभी सेट पे बहुत मस्ती चल रही है। और ये लॉकडाउन के बाद मेरी पहली पिक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं अभी भी बिज़ी थी, कभी दीदी की शादी में, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, तो घर में इतनी व्यस्त थी। इतने लॉकडाउन के बाद में ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैं कर रही हूँ, और अभी बस बैक टू बैक काम ही काम करना है। तो आई एम सो हैप्पी, और बहुत प्यारी मूवी है। रोमांटिक है, फुल धमाल है जो सॉन्ग है, और इसमें एक अपना एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मूव, एक अलग ही रोमांस है इसमें, और लवली। हर दो स्टेप के डांस मास्टर आता है और आपको स्टेप सिखाता है, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस मामले में? अरे मास्टर जी आते हैं फट फट फट, हो जाएगा, हो, आप कर लोगे, आप कर लोगे, मैं बोलते बताइए उसे ऐसे से करना है, देखो दिखा दिया, आप कर लोगे, आप कर लोगे, मैं बोलती अच्छा हाँ, मैं बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, थोड़े हार्ड हैं बट अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है एक्चुअली में। वही तो मैंने बोला कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ बट बहुत कंफर्टेबल हूँ, ही इज़ नाइस। और अभी तो गाना शुरू हुआ है, बाकी सीन अभी बाकी है, तो अभी तक तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, आई एम सो हैप्पी। लेकिन एक ही गाने में काफ़ी करीब आ चुके हैं पल पल दिल के पास, पिक्चर में करीब, अब पिक्चर में भी सस्पेंस है यार, अभी दो हीरो हैं, अभी किसके करीब आऊँगी वो अभी कैसे बता दूँ मैं। बहुत सारे हैं इसके बाद बैक टू बैक, अप्रैल में भी एक मूवी की शूटिंग पे जा रही हूँ मैं, अप्रैल में दो पिक्चरें हैं, इवन मई में भी है, जून तक तो अभी फुल है, उसके बाद में भी सोचना है कौन सी मूवी करनी है, कौन सी नहीं, ऑफर कंटिन्यू है। बहुत कूल इंसान है, सॉन्ग में वो बोल रहे हैं जो अच्छे से अच्छा हो पाए करो, और वो भी पास में सामने है, जस्ट बैठे हुए, हल्की से स्माइल आ रही है उनकी कि अच्छा अच्छा मेरा नाम आ रहा है। हाँ, मेरा सीनियर इंडस्ट्री में काफ़ी सेलिब्रिटी से काम करते हैं, नए हीरो जो आते हैं और काफी दिनों करने बाद भी उनसे काम करते हैं, कितना कंफर्ट होता है आपके लिए? अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मतलब अब हम तो बोलते हैं सीनियर अगर किसी के साथ में काम कर रहा है तो अगले को, जबकि अगले से पूछना चाहिए कि वो कंफर्ट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी हीरो हो मेरे साथ में, न्यू अगर न्यू कमर है तो वो मुझसे कंफर्ट फील करे, वो ये नहीं सोचे कि ये तो सीनियर आर्टिस्ट है या कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि काम बहुत अच्छा हो, तो उस टाइम जैसे सामने वाला होता है मैं पहले बात करती हूँ अच्छे से कि अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बी कंफर्टेबल, तो काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। हीरो आपके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं कि कैसे आते साथ वेट एंड वॉच, बिल्कुल हम लोग काम करेंगे। और अब वो घड़ियाँ आ चुकी हैं जब बिल्कुल कुछ ही टाइम है, और मैं चाहूँगी मैं सबके साथ में काम करूँ। एक समय में रानी चलती और पाकी अगड़े काफ़ी लड़कों को लॉन्च किया, अब यही आप मुझसे कराना चाह रहे हैं क्या? नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अगर ऐसा भी कुछ चांस आएगा तो डेफिनेटली आई विल डू। हाँ, पेयर जो होते हैं, हाँ, जोड़िया, नाम उछाला जाता है, कुछ भी कहा जाता है, अगर आप दो फिल्में किसी के साथ करते हैं, हाँ, बॉलीवुड में, यस, तो बॉलीवुड में कितनी सही है चीजें जो भोजपुरी में लोग ये उसके साथ में जोड़ी है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। कल एक लड़की ने काफी बड़ा खुलासा किया है खेसारी लाल और खुलासा किया है, काफी वीडियो वायरल हो रहा है, उसने कहा है कि इन्हीं को लेकर फिल्में बनाते हैं और कौन क्या, और लोग नहीं है फिल्म बनाने,
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक ही चीज़ है, हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबको कि प्लीज़ पेयर हमेशा अलग 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 होना चाहिए। एक के साथ दो पिक्चरें बहुत है, तीन पिक्चरें बहुत है, उसके बाद पेयर अलग अलग होना ही होना चाहिए। एक के साथ पिक्चरें हिट हो रही हैं तो ठीक है, दो पिक्चरें साथ में कर लो, तीन कर लो, बट मेरा मानना ये कि हीरो को भी और प्रोड्यूसरों को भी एक्शन उठाना चाहिए कि सब सबको चांस मिलना चाहिए। अगर काजल राघवानी बोलती है मुझे खेसारी के लाल फिल्म में साथ करनी है, खेसारी बोलते हैं काजल के साथ ही करनी है, तो कितना गलत होगा ये? तो कोई बात नहीं, कहना था तो हम लोग किसी और के साथ में काम करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको जिसको जिसके साथ में काम करना है उसको करने दीजिए। और मेरा मानना ये है, सबके लिए काम है, जो हमारी भोजपुरी वो इंडस्ट्री है उसमें सभी के लिए काम है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि आप जो बोलते पेयर करना, पेयर बनाना, तो मेरा किसी के साथ भी नहीं है पेयर, चाहे सिर्फ पवन जी हैं, खिसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, वॉट एवर कोई भी है, मैं सबके साथ में काम करती हूँ। हाँ, ये है कि हम बैक टू बैक चार चार दस दस पिक्चरें नहीं करती हूँ, साल में किसी के साथ एक पिक्चर कर ली, दो साल में किसी के साथ एक, पवन जी के साथ आई थिंक 5 साल हो गए हमने एक भी पिक्चर नहीं की है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, आप अपना काम करो, काम पे ध्यान दो। हाँ, बट जो उनकी जिन्होंने खुलासा किया है उनके लिए ये बात है कि उनकी ये बात बहुत सही है, सबको चांस मिलना चाहिए और सबको काम अच्छा आना चाहिए। आपकी निजी राय क्या है काजल और खेसारी के बारे में? आप पुराने हैं, आपके सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने आए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बड़ा अच्छा कौन बता सकता है? दोस्त हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पेयर के बारे में, पेयर भी देखिए उनका, उनकी काफ़ी सारी पिक्चरें हिट हुई हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे दिखते भी हैं, लगते भी हैं, और दोनों का काम मुझे अच्छा लगता है। तो जो मेरी ओपिनियन है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे लगते हैं एज ए ऑन स्क्रीन। वेलकम। हाँ बोलो बोलो। हाँ, किसकी शादी थी और कैसा रहा था? दीदी की शादी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया, 1 मंथ वहीं पर शॉपिंग, कभी ये फंक्शन कभी वो फंक्शन, काफ़ी सारा अटेंड किया और बहुत धमाल हुआ। जयपुर में थी शादी और पूरा होता रीति रिवाज के साथ में, मेहंदी की रस्म, कभी ये रस्म, मतलब इतनी सारी रस्में होती है, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा राजस्थानी शादियों में, इतना सारा कल्चर जो था, मतलब मैंने बोला माय गॉड सुपर वाला है। रवि किशन जी, रवि जी आए थे बिल्कुल तो शादी में, और अचानक वो आए थे, खुद से आए थे और वो मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम सो हैप्पी कि वो आए, एंड अच्छा लगा, मतलब सब एकदम हैपनिंग माहौल हो गया था। और अचानक और साथ में उन्होंने डांस किया, डायलॉग्स बोले और उन्होंने ढेर सारी मस्ती की और सभी के साथ पिक्स खिंचवाई, तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है रवि जी, और सबके साथ फ़ोटो, सब मैं उनको बोल रही हूँ रवि जी बस इतनी फ़ोटो काफ़ी है, नहीं नहीं बाबू आओ, बाबू तुम भी आओ, आओ बाबू, मैं उनको रोक रही हूँ, बोला शुभी हटो ना, तुम्हारी गेस्ट है ना, आओ बाबू, मैं माय गॉड उनको इतना, मतलब ही सुपर, उनकी जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है, रवि जी सुपर है। भोजपुरी में लगभग सारे सेलिब्रिटी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, सुरी शर्मा कब ज्वाइन करेंगे? हाय हाय, अभी तो नहीं, ई हमसे अभी ना हो पाई, बात का पता नहीं, हो सकता है नेवर नो कि 2024 में मे बी, बट अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। चुनाव प्रचार हो रही है बीजेपी और मेरे पास दोनों की ओर से ऑफर आ रहा है, तो क्या आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे? एक्चुअली में दोनों की ओर से ऑफर आ रहा है, बीजेपी वालों की ओर से भी आ रहे हैं, ममता जी की ओर से भी आ रहे हैं, और दोनों लोग चाह रहे हैं कि मैं प्रचार करूं, नहीं ये हमसे बिल्कुल ना हो पाई, रवि लोग का चाहिए, नहीं नहीं ये कुल ठीक नहीं थे, मनोज जी भी, रवि जी भी, हाँ सेलिब्रिटी प्रचारक हैं वहाँ के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तनी मनी चांस। सुबी शर्मा जी के पुराने जो चाहने वाले हैं वो कुछ कहना चाहते हैं? लव यू ऑल, आप लोग हो यार, तभी अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी हमारे फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं वही हमारे हीरो हैं, जो बोलते हैं ना कि एक पेयर होता है, एक जोड़ी होती है, तो मेरी जोड़ी जो है वो मेरे फैंस के साथ में है, इसलिए हिट है, तो आई एम सो हैप्पी, और मैं हमेशा चाहूँगी कि जो भी मेरे फैंस हैं वही मेरी जोड़ी हो और बैक टू बैक वही लोग हमेशा रहें मेरे साथ में। वेलकम, थैंक यू सो मच, आइए।